गाइस वेलकम। देखो भाई क्या हालात बने हुए हैं मेरे। हाय गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो का आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही होगा आज की वीडियो का। तो बाय द वे नहीं पता चला तो देखो भाई क्या हालात बने हुए हैं मेरे। मतलब हेयर भी कितने लंबे और दाढ़ी भी कितनी कितनी आ चुकी है। मतलब भाई कटवाने का टाइम ही नहीं लग रहा था। पिछली वीडियो में आपने देखा कि भाई हमारी कनक की कटाई चल रही है, तो मतलब आज फाइनली काम हो चुका है, पूरा कटाई भी हो चुकी है। आज मेरे को टाइम मिला था तो बाय द वे मैंने सोचा आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग बना देते हैं, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से वीडियो नहीं आई तो उसका रीज़न आपको पता चल ही गया होगा। तो मतलब यही था रीज़न। तो चलो आज टाइम मिल रहा है तो वीडियो देख लो। तो चलो आज मैं जाने वाला हूँ, अपना हेयर कट करवाने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले घर वालों की परमिशन लेते हैं फिर चलते हैं। मतलब घर वालों की परमिशन लेना पक्का आया, मतलब फिर घर वाले कहेंगे यार आपके हेयर बड़े हैं छोटे हैं, मतलब घर वालों की परमिशन लेना सो इम्पोर्टेंट। तो चलो चलते हैं, मम्मी की परमिशन लेते हैं। तो चलो मम्मी जी से पूछते हैं आप। तो मम्मी जी अपना काम कर रहे हैं, तो मतलब आपको बताया था कि आज हमारी जो कनक की कतराई हो चुकी है, तो मतलब आज मम्मी जी अपना भी जो दाने हैं उसको संवार रहे हैं। तो चलो मम्मी जी से पूछते हैं। तो मम्मी जी आज मैं ना अपना हेयर कट करवाने जा रहा हूँ, तो मतलब जैसा भी होगा अब जय मत कहना कि मतलब कैसे थे हेयर। तो मतलब जैसे भी होंगे, तो मतलब मैक्सिमम क्या होता है कि जब मैंने पिछली बार कटवाए थे ना हेयर, तो मम्मी जी कहते कि भाई तुम्हारे बाल इतने बड़े हैं बेटा, क्या है क्या है। तो मतलब ऐसा मतलब अभी मत कहना, आपको पता ही है क्यों नहीं कहना। मतलब आपके साथ भी इंटरलिंक रहना है अपनी ऑडियंस के साथ, तो मतलब मैं गंजा ही हो जाऊंगा तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तो ठीक है ना। तो चलो ठीक है मम्मी जी मैं जा रहा हूँ, तो चलो जाओ ना फिर। तो मतलब मत ऐसा मत कहना कि मेरे को, ठीक है ना, जाओ कटवाओ अपनी मर्जी से बाल, हाँ ठीक अच्छे कटवाने। हाँ तो चलो चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने हेयर सलून पे। तो मतलब बैक साइड में मार्केट है हमारे गांव की, तो मतलब जहां पे मैं बाल कटाता हूं, मतलब फर्स्ट टाइम है, तो चलो कटवाते हैं अपने हेयर। तो चलो चलते हैं, एक के हेयर सलून है इसका नाम, हेयर सलून। तो मतलब बैक साइड में आपको नंबर भी दिख रहा होगा, तो जे है आपको कटवाने हो नेयर के जो लोग हैं जहाँ पे बाल कटवा सकते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। फाइनली अपनी तो कटिंग हो चुकी है, तो मतलब अभी भाई अपना काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अपने काम पे लगे हो तो करते रहो। तो चलो कोई नहीं, तो मतलब मैं बता देता हूँ जे अपनी शॉप कहाँ पे स्थित है। तो जे शॉप नौशहरा में रोड के पास ही स्थित है, आपको बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। तो मतलब जे मतलब रोड के पास ही जे दुकान स्थित है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लोकेशन पर स्थित है जे। तो मतलब मैं तो अपनी जहाँ पे तो कटिंग करवा ली है, तो मतलब आपको किसी को करवा भी आना हो तो भाई जहाँ पे जब दुकान स्थित है रोड पे। चलो ठीक है अब आपको घर पे मिलता हूँ सीधे। तो चलो ठीक है फाइनली अब मैं घर पे पहुँच चुका हूँ और अपना हेयर कट भी हो चुका है। तो मतलब आप बताना कि मतलब कैसा लग रहा है मेरा हेयर कट। तो चलो ठीक है आज यही था, मतलब काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। तो चलो ठीक है आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो पता है लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी करना है। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय। इसे तो ये अपना काम कर रहे हैं, मतलब आपको बता ही दिया कि अपना जो मतलब कटराई चल रही थी आज।